गौ तस्करी के मामले में रामगढ़ एसडीएम कोर्ट ने चार मुलाजिमों को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 जुर्माने से दंडित किया है। एक मुलाजिम को दोषमुक्त किया है। एफटीपी सतीश ने बताया कि रामगढ़ उपखंड के नौगावा थाना पुलिस ने 2013 को थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोककर तलाशी ली। उसमें गौवंश भरा हुआ मिला। इसमें नौगावा पुलिस ने पिकअप में बैठे 5 मुलाजिम मोहर खान, अयूब खान, साबुद्दीन, शबीक अख्तर को गिरफ्तार किया है। यह मामला रामगढ़ न्यायालय में चल रहा था, जिसमें रामगढ़ एसडीएम कोर्ट ने मोहर खान को दोषमुक्त करार देते हुए बाकी 4 मुजरिमों को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000 का जुर्माना लगाया है। रामगढ़ FIR नंबर 210/2013 PS नौगावा का मामला था, जिसमें पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी कर रही थी, तभी एक पिकअप गाड़ी आई जिसमें गोवंश भरा हुआ था। मुलजिमों को नाम पता पूछा तो मुलजिमों ने अपना नाम मोहर खां, अयूब खां, साबुद्दीन, शफीक व अख्तर बताए थे। इसका विचारण न्यायालय द्वारा किया जा रहा था। आज SEZM कोर्ट ने उक्त मामले में मुलजिम अयूब खां, साबुद्दीन, शफीक व अख्तर को धारा 5-8 RB एक्ट में 4 साल का कठोर कारावास से दंडित किया व 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया व मुलजिम मोहर खां को उक्त केस में दोषमुक्त किया गया। किस समय का केस है नौगावा थाने का? ये दिनांक 24/8/2013 की बात थी। उसमें आपके रामगढ़ ACGM कोर्ट के मजिस्ट्रेट श्री नगेंद्र सिंह जी RJS, इनको कितने समय के लिए किया है दंड? कितने 4 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया है 4 मुलजिमान को। और आप? मैं सहायक अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार।